नमस्कार, मैं डायरेक्टर नितिन चंद। तो तेरी मेरी दास्ता एक अमर प्रेम की कहानी है जिसको गाया हुआ है विनीत सिंह एंड प्रतीक्षा श्रीवास्तव ने। तो ये गाना एक्चुअली मुझे कंपोज किया अभिनव बहर ने। तो इसका शूट हुआ था राजस्थान जयपुर और फिर नेपाल की किसी जगह पर भी शूट हुआ है जंगल में। और इसमें हमने फीचर किया है आपका आंचल शर्मा एक्ट्रेस और आर खड़का जो मतलब बहुत ही मतलब चर्चित नाम है। और इसके बाद इसका जितना भी शूट हुआ है इसका सारा पूरा पीरियडिक टाइप का मतलब ऐतिहासिक जमाने का मतलब एक वो विजुअल है इसका मतलब जो थीम रहेगा जिसमें मतलब एक धोखा होता है जिसमें मतलब एक प्यार होता है जिसमें फिर आपका जो एक साजिश होता है कि कैसे मतलब वो एक किंगडम के लिए या फिर बोल दें आप राज्य के लिए सिंहासन के लिए कैसे मतलब राजा को या फिर किसी लीडर को ख़त्म करके उसके प्यार को भी ख़त्म करते हैं ऐसा मतलब एक सस्पेंस एक बहुत ही रोमांटिक गाना है तेरी मेरी दास्ता। विनीत सिंह बहुत ही चर्चित सिंगर और प्रतीक्षा श्रीवास्तव बहुत ही टैलेंटेड बहुत ही फेमस सिंगर है जिन्होंने उनका आवाज़ दिया है। तो आज फरवरी 8 में इसका लॉन्च है तो आप लोग देखिए अब गाना कैसा लगता है तो फिर अपना प्रतिक्रिया गाने पर दिखाएगा जिसका ओरिजिनल म्यूजिक गैंग में रिलीज होने वाला है आज 6:30 बजे तक रिलीज हो जाएगा। तो कृपया इसका फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू। नितिन सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हर लोग गाना रोमांटिक गाना को ज़्यादा पसंद करते हैं, आपने पुरानी कहानी को एक प्रेजेंट करने का कोशिश कितना चैलेंजिंग है आज की तारीख में इस गाने को प्रेजेंट करना? एक्चुअली क्या है कि जनरली जो गाना बनता है जो विजुअल बनता है वो रेगुलर डिफरेंट मतलब अभी के टाइम का बनता है राइट। अभी का जो टाइम है एरा है उसमें बनता है। तो मैंने सोचा कि बहुत सारा काम तो मैंने पहले मतलब किया है जिसमें मैंने रेगुलर टाइम का दिखाया जो अभी का टाइम का दिखाया, लेकिन अभी तेरी मेरी दास्ता को तेरी मेरी दास्ता जो एक अमर प्रेम कहानी है जो एक डुएट सॉन्ग है जो एक बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है इसको उस टाइम का इसलिए बनाया ताकि कुछ डिफरेंट कुछ यूनिकनेस आए और लोगों को वो महसूस हो मतलब फील हो कि ये मतलब थोड़ा लार्जर देन लाइफ बोलते हैं ना कि डिफरेंट थोड़ा दिखे मतलब लाइविश दिखे थोड़ा और यूनिक दिखे मतलब एक विजुअली मतलब थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे मतलब विजुअली एक अपीलिंग टाइप का उसका मतलब वो आए मतलब एक पिक्चराइजेशन आए और फिर एक सिनेमाटोग्राफी और एक कैनवास जो है मतलब थोड़ा डिफरेंट दिखे। इसका मैं थॉट ये था कि मतलब इसको थोड़ा ऑथेंटिक लुक देने का कोशिश किया है। आप लोग देखिए कैसा लगता है। शूटिंग के दौरान कितना मुश्किल हुआ कि एक 4 मिनट के 5 मिनट के गाने के अंदर आपने पूरे कहानी लगानी? शूटिंग के टाइम पे तो बहुत ही चैलेंज आए आपका जयपुर भिलवाड़ा उसके बाद नेपाल हर जगह पर इसका शूट हुआ है 4 दिन शूट हुआ है इसका। तो इसका सब चीज़ मतलब जो आप देखोगे इसका मतलब जो पैलेस जो हमने चूज़ किया है वो भी बहुत ही शानदार पैलेस था तो उस पर भी बहुत सारे चैलेंजेस थे वहाँ पर मतलब बहुत डिफ़िकल्ट था वहाँ पर जाना ही डिफ़िकल्ट था एक्चुअली। भिलवाड़ा में मतलब लोकेशन बहुत ही अनएक्सेसिबल बोल सकते हो मतलब दूर है मतलब काफ़ी बहुत। तो सारे टीम को मतलब अराउंड 60-70 हम टीम जो थे सब टीम को वहाँ पे ले जाना फिर वहाँ पे शूट करके करने मतलब उसको फिर प्रेजेंट करना इसके लिए वो चैलेंज था। तो उस पर मेरा अपने सारे टीम आर्ट प्रोडक्शन से सब लोग ने बहुत सपोर्ट किया तो मतलब इसका काम हो पाया था लेकिन चैलेंजिंग ही था मतलब उस टाइप का विजुअल एक ऐतिहासिक विजुअल थी उसमें ऐसा कॉस्ट्यूम ऐसा लोकेशंस ऐसा प्रॉपर्टी ऐसा माहौल दिखाना अभी के टाइम में चैलेंज है क्योंकि यू कैन नॉट शो द प्रेजेंट सिनेरियो यू हैव टू गो बैक टू द पास्ट एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट द होल थिंग इन न्यू वो मतलब अभी के टाइम में तो दैट इज डिफिकल्ट। उस टाइम पर सब चीज़ को विजुअल करना एक पीरियडिक टाइप का ड्रामा में मतलब डिफिकल्ट होता ही है। कुछ कलाकारों के बारे में बताना चाहेंगे तो बता दें आंचल शर्मा इज अ वेरी फेमस एक्ट्रेस इन नेपाल जो जिन्होंने इसको लीड किया है तो वो बहुत ही फेमस एक्ट्रेस नेपाल की और आर खड़का वो भी एक्टर नेपाल के अच्छी एक्टर हैं उन्होंने थिएटर में भी काम किया है और उन्होंने बहुत सारे एल्बम्स में भी काम किया है। और अपना सोनू मिश्रा जी है जो बॉलीवुड के बहुत सारे मूवीज़ वेब सीरीज़ में काम कर चुके हैं। सोनू मिश्रा जिन्होंने यहाँ पर एंटागोनिस्ट का काम किया और भारत शाह भी एक किरदार निभाते हैं इसमें जो बहुत अच्छे कलाकार। अरे इतना इन्जॉय किया कि ये तो एक इंसिडेंट शायद हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया भी होगा शायद एक थोड़ा सा इंजरी भी हुआ था हमको घोड़े से गिर गए। उसके अलावा वो शायद सेकंड टेक में एक्सीडेंट हुआ था फिर भी 2-3 घंटे के बाद हमने वो
कंटिन्यू किया और कुछ कुछ पार्ट कर नहीं सका था ये इंडिया में, तो नेपाल में जाकर भी उसको कंटिन्यू करके खत्म किया। और ओवरऑल इट वॉज वेरी अमेजिंग, यहाँ के लोग, यहाँ के टेक्निकल टीम, यहाँ के कुछ दर्शक भी मिले थे वहाँ शूटिंग पे, बहुत अच्छा लगा इन सब लोगों से मिल के काम करके। और हमें ऐसा नहीं लगा कि हम दूसरी जगह जाकर काम कर रहे हैं, हमें तो अपने ही घर पे रह के काम किया था, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हमको। और जो इस म्यूजिक का जो बात है, म्यूजिक को इतना मेलोडियस है, इतना अच्छा लगा हमको सुन के पहले। और स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक माय डायरेक्टर नितिन चंद एंड आवर प्रोड्यूसर सतीश सर एंड ऑल। सो ओवरऑल हमारे टीम में जिन जिनों ने काम किया, जैसे सोनू जी ने बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों से साथ मिलके, नेपाल में भी आए वो, वहाँ भी काम किए साथ में, तो बहुत अच्छा लगा। इस तरह के डायरेक्टर ने बताया कि तीन जगह पे शूट हुई है, नेपाल तो आपका होम टाउन है, दो जगह इंडिया में शूट हुई है, कौन से प्लेस को ज़्यादा पसंद किया? ऑब्वियसली भीलवाड़ा, क्योंकि भीलवाड़ा में क्या हुआ था कि वो मेमोरेबल प्लेस हुआ मेरे लिए, जहाँ पे मैं घोड़े से गिरा था और वो डे टाइम का शूट भी था और बड़े बड़े महल भी था वहाँ पे, तो वहाँ का वो बहुत याद आता है मुझे, भीलवाड़ा अच्छा लगा मुझे। चलिए अंत में, ये जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, गाने को देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे गाने के लिए? देखिए मैसेज ये कि ये 16th सेंचुरी का एक इमेजिनरी स्टोरी है, और वहाँ पे एक धोखाधड़ी राजा रानी का प्रेम, और वहाँ पे धोखाधड़ी अपने लोगों से होता है, तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये आपको वीडियो देखने के बाद पता ही चलेगा। और यहाँ के लोगों, यहाँ के जो इंडिया के जितने भी दर्शक लोग हैं, इन लोगों का वो समझने का वो कैपेसिटी, समझने का अंदाज बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, और हमारे लिए बहुत ईजी होगा कि हम लोगों ने जितना भी कोशिश किया है काम करने को, उसको ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द समझ जाएंगे, और हमारा काम कैसा रहा वो तो गीत रिलीज होने के बाद वो कृपया के मिलेगा। और हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि इसका एक गीत हम लोगों ने बहुत मेहनत से, बहुत दुख के साथ बनाया गया है, प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इसका माया प्रेम कीजिएगा इस संग को, इस वीडियो को। और अगर यहाँ पे कोई आप लोगों को जो नापसंदी चीज़ है तो वो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। एक्चुअली हिंदी गाना में ये पहला काम है मेरा, मैंने पूरा अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं होने के बावजूद भी मैंने थोड़ा कोशिश किया है, कैसा करूँ क्या करूँ, थोड़ा एडवाइस लेके सब कुछ किया करके यहाँ तक पहुँच गया है। अभी आगे अभी कैसा होगा क्या होगा अभी देखते हैं। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जब ये गाना सर ने आपको भी डिस्कस किया होगा ऑब्वियसली घर में, तो किसी तरह से आपने इनको कोऑपरेट किया कि नहीं, गाने में आप आगे बढ़िए? मुझे तो ये गाना बहुत पसंद आया, और मोस्टली तो नितिन जी का गाना है, उन्होंने डायरेक्ट किया है, बहुत ही अच्छा गाना है ये। प्लीज़ हैव अ लुक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर फ्यूचर टू नितिन एंड ऑल द आर्टिस्ट। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मीडिया बंधुओं को, मेरे साथी जो हमेशा मुझे सपोर्ट और प्यार देते हैं, और मीडिया पार्टनर मुंबई रफ्तार शैलेश भाई, और मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहा जी, डायरेक्टर सर नितिन जी, आशुतोष जी। गाने तो काफ़ी आ रहे हैं और काफ़ी गाने चल रहे हैं मार्केट, पर ये गाना दिल में जब आप सुनेंगे इस गाने को, इस तेरी मेरी दास्ता बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, और इस गाने को बनाने में काफ़ी सारे लोगों की मेहनत, जो कि नेपाल, जयपुर और भीलवाड़ा, और बहुत ही प्यारा गाना है, और नितिन सर ने काफ़ी सारे गाने बनाए, लेकिन उन गानों में सबसे अच्छा गाना तेरी मेरी दास्ता है। और आप लोग प्यार दें इस गाने को, सुने काफ़ी, थैंक यू सो मच। हाँ, तेरी मेरी दास्तां एल्बम को सतीश जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं हो, शुभ डुपर हिटो, और डायरेक्टर हमारे भाई है
उन्होंने अच्छा काम किया, बहुत 100-200 एल्बम की है, तो पक्का भी हिट होगा और अच्छा बंदा टेक्निकल जो होगा। तो मेरे मैं दिल से शुभकामनाएं, हिट हो जाए। बस हमारी जो डायरेक्टर साहब है नितिन चंद, वो हमारे खास मित्र हैं, इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ आस, एंड उनको स्पेशली उनको और स्पेशली टू द होल टीम ऑफ तेरी मेरी दास्ता उनको बेस्ट विशेज कहना चाहूँगा। एंड आप कुछ नमस्कार, मेरा नाम अरुणा नाम है, मैं लाइफ एंड फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। आज म्यूजिक लॉन्च है तेरी मेरी दास्ता का, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि उनकी जो म्यूजिक लॉन्च है, म्यूजिक जो है वो खूब चले और खूब सक्सेस मिले, एंड ऑल द बेस्ट फ्यूचर। थैंक यू। नमस्कार सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं एमएसजे इवेंट्स कंपनी की ओनर हूँ और मैं आज आई हूँ तेरी मेरी दास्तान के म्यूजिक लॉन्च पे। तो मेरी बेस्ट विशेज है उनको कि वो बहुत सक्सेसफुल हो। थैंक यू। और नितिन जी जो है बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत पहले भी काम किया है। अमित भट्टाचार्य के शब्द में भी इन्होंने काम किया, तो बहुत अच्छा गाने हैं, मैंने देखा है। खुद ही एडिटर भी है, खुद ही डायरेक्टर भी है और खुद का कॉन्सेप्ट भी है, आप लोगों ने भी देखा होगा। मैं एज अ कंपोजर तो बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा है। और राम हरि खड़का जो है एक्टर, उन्होंने भी अच्छा काम किया है, तो वही बताना चाहूँगा मैं। और मेरा भी गाना रिलीज है, वही डायरेक्शन किया है, 2 दिन के बाद रिलीज है, 2-3 दिन के बाद जी। हाँ आइए ना, आइए ना, आप लोग एकदम मस्त वेलकम है, वही बोलना चाहता हूँ। मतलब कि बताया था मैंने, जैसे प्रोड्यूसर भी है, तो ये गाने का सारा दास्तान वही है कि एक अमर प्रेम कहानी जो कभी ख़त्म नहीं होता है, कभी साजिश करो, कभी आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करो, वो और स्ट्रांग होता जाएगा। ये कहानी आप अभी ओरिजिनल भी गाने में भी हो रहा है, आप देखिए और अपना फीडबैक दीजिए। नहीं नहीं कुछ नहीं, बस
थैंक यू।